हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लच पर नियंत्रण कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव क्लच कंट्रोल, क्लच पर नियंत्रण कैसे करें वो भी सही तरीके से कि हमारा गाड़ी बंद नहीं हो, कहीं भी बंद नहीं हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे स्टार्ट करने के बाद चलाने के समय बंद हो जाता है गाड़ी बहुत सारे लोगों से, तो वह गाड़ी बंद नहीं हो, कैसे इम्प्रूव करें, किस तरह से क्लच को कंट्रोल करे, इम्प्रूव करे क्लच को कि हमारा गाड़ी कभी बंद नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्लच पर नियंत्रण किस तरह से करे। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने तीन पैडल दिखाई दे रहा है। पहला जो है एक्सेलेरेटर है, दूसरा है ब्रेक और यह है क्लच, जिसको अल्फाबेट से है सारे लोग सूचित कर चुके हैं। ए से एक्सेलेरेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच, ए बी सी। एबीसी का मतलब समझ चुके हैं, ए से एक्सेलेरेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच। तो यह जो क्लच है हमको इसी पर कंट्रोल करना है, इसी को इम्प्रूव करना है सही तरीके से कि हम जब भी गाड़ी को चालू करें, चलाएं, तो इस कार्य इस क्लच के सहारे हमारा गाड़ी कभी बंद नहीं हो। बहुत सारे लोगों का गाड़ी जो बंद होता है केवल क्लच के सहारे ही बंद होता है और क्लच के कारण ही बंद होता है, क्योंकि उनको समझ में आता नहीं है ज्यादा, जिनके कारण उनका गाड़ी बार बार बंद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लच को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। जिस तरह से अभी देख सकते हैं ये क्लच है, इसको वहां तक प्रेस करेंगे जहां तक वह जाएगा। देखिए, इसको वहां तक प्रेस करेंगे जहां तक वह जाएगा। मानिए कि इसको अगर हाफ प्रेस हम करते हैं, इसको अगर हाफ प्रेस करते हैं क्लच को, तो स्टार्ट करेंगे तो हुर हुर करके गाड़ी आगे तरफ भागेगा, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। जब भी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले इसको पूरी तरह से प्रेस करेंगे अंदर की तरफ जहां तक वह जाए, जिस तरह से अभी हम प्रेस किए हैं। देखिए, इसको ऐसे आपको प्रेस करना है, उसके बाद गाड़ी को ऑन करना है, चालू नहीं करना है, गाड़ी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखना है कि हमारा जो गियर है कितने नंबर पर है, तीन नंबर पर है, चार नंबर पर है, दो नंबर पर है कि एक नंबर पर है। अगर एक नंबर पर है तो अच्छी बात है, अगर दो नंबर पर है तो फर्स्ट गियर पहले लगाएंगे, एक नंबर गियर करेंगे, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, यह जो क्लच आप देख रहे हैं, यह क्लच लेफ्ट पैर में रहता है क्लच, इसको एकदम धीरे 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 पीछे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ छोड़ेंगे, स्मूथली छोड़ेंगे, एकदम धीरे धीरे छोड़ेंगे, ताकि हमारा जो गाड़ी है बंद भी ना हो। अगर अचानक में इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो गाड़ी बंद हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, क्लच पर कंट्रोल करना है, इम्प्रूव करना है, अच्छे से नियंत्रण इस पर करना है। तो इसको क्या करेंगे, एकदम धीरे 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 क्लच को पीछे की तरफ लाएंगे, एकदम धीरे धीरे पीछे लाएंगे, और उस समय तक लाएंगे जब तक मेरा गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने न लगे। जैसे ही मेरा गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, उसके बाद क्या करना है, हौला हौला यानी कि धीरे धीरे इस क्लच को अच्छे से प्रेस करना है, एकदम धीरे धीरे प्रेस करना है, एकदम हौला का एकदम हल्का इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या करना है, मेरा गाड़ी आगे बढ़ने लगेगा, उसके बाद फिर से क्लच को प्रेस करेंगे, क्लच को इसको प्रेस करेंगे और सेकेंड गियर लगाएंगे, सेकेंड गियर डाल लेंगे, उसके बाद फिर से धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, और हल्का एक्सेलेरेटर लेते जाएंगे, एकदम इसको एकदम धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, और धीरे 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 एक्सेलेरेटर जो है, यह एक्सेलेरेटर जो दाहिने पैर में रहता है, इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे और गाड़ी को आगे तरफ लेकर जाएंगे। गाड़ी मेरा बढ़ रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से क्लच को प्रेस करेंगे, जितने बार गियर को हम शिफ्ट करेंगे, गियर लगाएंगे, उतने बार हम क्या करेंगे, क्लच को प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर गियर डालेंगे, तीन नंबर गियर डाल दिए, लगा दिए तीन नंबर गियर, तो इसको धीरे धीरे नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एकदम फास्ट में इसको छोड़ेंगे और एक्सेलेरेटर लेंगे। और जब भी हमको गाड़ी को रोकना होगा तो रोकने से पहले क्या करेंगे, क्लच को प्रेस करेंगे, क्लच को प्रेस करेंगे, और लेफ्ट रुकना है तो लेफ्ट में लेकर जाएंगे, स्टीयरिंग काटेंगे और आराम से धीरे धीरे लेकर जाएंगे और आराम से ब्रेक दबाएंगे इस तरह से, और ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी को आराम से रोक देंगे। तो इस तरह से क्लच को कंट्रोल किया जाता है, और आप लोग भी ऐसा कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है क्लच को इम्प्रूव कैसे करें, क्लच पर नियंत्रण कैसे करें वो भी सही तरीके से, और जिस तरह से मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ, आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, तभी आपको क्लच पर अच्छे से कंट्रोल होगा, आपका क्लच जो है अच्छे से इम्प्रूव होगा, उस पर पैड जो है आपका अच्छे से सेट हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो, ये भी कमेंट के जरिए बताइएगा। तो चलिए, मिल देंगे आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए
बाय बाय।